हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 11 एलजेब्रा के। तो ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। अगर एलजेब्रा के कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में क्लास सिक्स की आप जाकर देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ बने हुए हैं। पहले आप उनको देख लो और उसके बाद ये क्वेश्चंस वाली वीडियो देखना, ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है एन डैश इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। तो देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे लेटर्स ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है जिसमें कोई भी वैल्यू होने की एबिलिटी हो, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी जो भी है। सो क्वेश्चन है एंड डैश एक चीज़ है जो एक कंडीशन है वेरिएबल पे। तो वेरिएबल पे कंडीशन क्या है, किसकी डेफिनेशन है, इक्वेशन की डेफिनेशन है। बेसिकली इक्वेशन क्या होती है, देखो जैसे मैं लिखती हूँ x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो है x, ये है आपका वेरिएबल, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये इक्वल्स टू डाल के इधर एल एच एस और आर एच एस, इससे मैंने क्या दिखाया है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, कि ये जो एल एच एस है वो आर एच एस के, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है। सो एक इक्वेशन जो है वो आपकी कंडीशन होती है वेरिएबल पे, कि ये कंडीशन पे ही ये वेरिएबल काम करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू लिटरल्स यूजुअली रिप्रेजेंट। तो लिटरल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट का मैंने टिक नहीं किया, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर है बी इक्वेशन, राइट। सेकेंड का भी ऑप्शन है बी पार्ट वेरिएबल्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब ही है कि इक्वल्स टू का साइन उनके बीच में आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट में मुझे दिख रहा है कि इक्वल्स टू का साइन है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। सो ये हुई आपकी एक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एक्सप्रेशन ऑफ 25 एडेड टू आर। आपको एक्सप्रेस करना है 25 एडेड मीन्स प्लस, किसके साथ प्लस हुआ है, आर के साथ। तो 25 प्लस आर आप इसको बोलेंगे, विच इज पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू द टू ईच इक्वेशन। पी माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 0 है, 10 है, 5 है या माइनस 5 है, वैल्यूज आपको बताना है। सो इक्वेशन क्या है, पी माइनस 5 इक्वल्स टू 5, राइट। यहाँ पे पी की क्या वैल्यू होगी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यानी कि पी को, पी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो पी को यहीं छोड़ो, इक्वल्स टू 5 एज इट इज। इस माइनस 5 को हम दूसरी साइड भेजेंगे, दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पी 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। इस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, 10 इज योर आंसर विच इज डी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बास्केट हैज एक्स मैंगोज, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 5 बास्केट। देखो भाई, एक बास्केट है उसमें एक्स मैंगोज हैं, ऐसे ही 5 बास्केट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 है, सब में एक्स एक्स जो है मैंगोज हैं। तो या तो मैं एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर दूं, यानी कि 5 बार एक्स 5x, या 5 इंटू एक्स कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी 5x आएगा। तो दोनों ही तरह से 5x इसका सही आंसर है, विच इज़ पार्ट बी। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर द स्टेटमेंट 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज। तो एक एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट है 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का सम है, यानी एक्स प्लस वाई है, सॉरी एक्स प्लस वाई, और उसका 5 टाइम्स यानी 5 गुना कर दो, मल्टीप्लाई 5 कर दो। तो फिर से देखो ये चीज़, अगर समझ नहीं आई है तो क्वेश्चन बोल रहा है 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का तो पहले सम बोल रहा है, इसका 5 टाइम्स यानी इस पूरे को जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब मल्टीप्लाई को तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती,
तो 5x plus y हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 डिवाइडेड बाय x हैज द ऑपरेशन 5 डिवाइड, ऑपरेशन मींस साइन कौन सा है। 5 डिवाइडेड बाय x मतलब इसमें डिवीजन का साइन है, तो डी पार्ट इसका आंसर है। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिवीजन डी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज n सेंटीमीटर इज। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर बताना है जिसकी एक साइड n सेंटीमीटर की है। तो पेरीमीटर पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे पेरीमीटर के क्वेश्चंस किए हैं, आपको स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर। तो n अगर साइड है तो 4 इंटू साइड की जगह लिख दो n, 4n। तो 4n आपका ए पार्ट मुझे दिख गया है आंसर, तो वो आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहा है एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 11। तो आप x की वैल्यू बताओ, कुछ भी नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे छोड़ो, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड, बाकी चीज़ मतलब प्लस 5 को इस साइड भेज दो। तो माइनस 11 अपनी जगह रहेगा इक्वल्स टू के इस साइड, ये उधर जाके प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस होता है, इंटीजर्स का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, वो अप्लाई करो। माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 16 हो जाएगा। साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा है इसमें 11, माइनस 11, माइनस 16। सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, x इक्वल्स टू माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड s यूनिट्स। इनमें से कौन सा एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर है। हेक्सागन मींस शेप अ पॉलीगन हैविंग सिक्स साइड्स, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन है इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, मेरी अनइक्वल बनी है बट मान लेते हैं कि सारी साइड्स इक्वल हैं और साइड है एक s यूनिट्स, ठीक है। सो एक साइड s है, ऐसी कितनी साइड है, 6 है। तो 6 इंटू एस इसकी टोटल पेरीमीटर होगा। s प्लस s 6 बार कर लो या 6 इंटू एस कर लो, 6s आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फॉर्म इक्वेशन हाफ ऑफ अ नंबर इज 12। इक्वेशन बनानी है किसी भी नंबर का आधा 12 है, हाफ ऑफ अ नंबर इज x इज 12। तो देखो कोई भी एक नंबर है जो हमें नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं, उसका आधा करोगे तो यानी x डिवाइडेड बाय 2। हाफ ऑफ अ नंबर मीन्स कोई भी नंबर है x, उसको डिवाइड कर दो 2 से, उसका आंसर है 12, ठीक है। फिर से देखो ध्यान से इक्वेशन क्या बनी है, वो बोल रहा है इक्वेशन फॉर्म करो हाफ ऑफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर है उसका आधा, तो ये नंबर है x और उसका आधा मीन्स डिवाइडेड बाय 2 इज मीन्स इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12 लिख दिया। तो x अपॉन 2 इक्वल्स टू 12 ये इक्वेशन है जो कि मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रही है, आई गेस थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो आप इसको लिख लेना, नोट कर लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर्म इक्वेशन, अगेन आपको इक्वेशन बनानी है। अ नंबर व्हेन एडेड टू 7 गिव्स 10 एज आंसर। एक नंबर है तो जो नंबर नहीं पता उसको मान लेते हैं x। व्हेन एडेड टू 7, जब इसमें हम 7 ऐड करते हैं या इसको 7 में ऐड करते हैं, अब एडिशन में कोई भी आगे पीछे नंबर लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो एक नंबर में जब हम 7 ऐड करते हैं इट गिव्स यानी कि इक्वल्स टू 10, तो 10 आंसर देता है वो, ठीक है। तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 10 ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख गया है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 20, देन x इज, x की वैल्यू निकालनी है x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 20, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको वहीं छोड़ेंगे और बाकी चीज़ों को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। माइनस 20 अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस प्लस, इंटीजर्स का बेसिक रूल, माइनस प्लस होता है माइनस 8 और साइन आएगा बड़े वाले का यानी कि इसका, सो माइनस 8। x इक्वल्स टू माइनस 8 आपका आंसर है जो कि ऑप्शन में अगेन मुझे नहीं दिख रहा है, काफ़ी गलतियां हैं लगता है।
इसमें. सो माइनस एट इसको नोट कर लेना, दिस इज़ दी आंसर. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन बाय ट्राइंग आउट वेरियस वैल्यूज फॉर द वेरिएबल कॉल्ड. भाई देखो, एक मेरी वीडियो भी है इस मेथड पे. उसमें क्या होता है इस मेथड में, इस तरीके में, कि हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं अलग अलग वैल्यूज वेरिएबल की पुट करके. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x प्लस 3 इक्वल्स टू 10, तो मैं इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, x को पहले 1 पुट करके देखूँगी, फिर 2 पुट करके देखूँगी, जिसमें दो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी LHS जो है ये लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर, RHS के बराबर अगर आ रहा है जिस वैल्यू में, वो मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार ट्राई करूँगी नई नई वैल्यूज़ को निकालने का, और गलती आएगी तो दूसरी वैल्यू, फिर गलत आया तो दूसरी वैल्यू, जब तक इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो जाए या एरर आना बंद ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा. थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन इस मेथड को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ये इसका बी पार्ट आंसर है. एक बार ये मेथड ज़रूर देख लेना, वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, ट्वाइस अ नंबर एडेड टू 12 गिव्स 27. आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स अ नंबर, तो एक नंबर मान लो एक्स है, उसका टू टाइम्स मतलब वो हो गया 2x, एडेड टू 12, तो 12 उसमें ऐड करें अगर हम, ठीक है, टू टाइम्स, ट्वाइस अ नंबर एडेड टू 12 गिव्स यानी इक्वल्स टू 27, बन गई इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है वो मुझे दिख रही है ऑप्शन बी में. राइट, नेक्स्ट है, 2m-3 हैज़ दी ऑपरेशन. 2m-3 में क्या साइन यूज़ हुआ है, ऑपरेशन मतलब कौन सा साइन यूज़ हुआ है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन है. देखो ये रहा 2n-3 में माइनस है, तो बी पार्ट इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज 2n-1 रिप्रेजेंट. 2n-1 किसी चीज़ का एक्सप्रेशन है, वो आपको वर्ड्स में ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है. सो फर्स्ट देखो, वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड टू. मैं इसका ना आपको एक्सप्रेशन बना के देखती हूँ, ये जब बन जाएगा यानी वो आंसर है. ठीक है, वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक सब्ट्रैक्ट किया गया है, -1 किया गया है, किस में से, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड टू, तो टू और एन के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन में से वन सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये तो मुझे फर्स्ट में ही मिल गया 2n-1, तो बाकी का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ही आंसर है. बट मैं आपको बना के फिर भी दिखा देती हूँ बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में क्या आएगा. द डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स एन एंड टू, द डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स एन, टू टाइम्स एन मतलब 2n और 2 का डिफरेंस एंड 2, तो सेकेंड का होगा 2n-2. ऐसे ही अगर मैं सी पार्ट देखूँ, 2n एडेड टू 1, 2n को ऐड किया है 1 से, तो ये तो 2n+1 हुआ. राइट, एन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, तो 2 में से n को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये हुआ 2-n. तो तीनों ही ऑप्शन नहीं है, ये बी और सी और डी नहीं है, तो सिर्फ ए इसका सही आंसर है. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको इक्वेशन बनानी है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स एंड इट सेल्फ इज 64. ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एक्स, कोई भी एक वेरिएबल है एक्स, उसका प्रोडक्ट उसी के साथ यानी एक्स के साथ ही उसका प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरिएबल है उसका इटसेल्फ के साथ यानी अपने खुद के साथ, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 64 यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इसका सही आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर, अगेन थोड़ा सा मिसिंग है, थोड़ा एलजेब्रा में प्रॉब्लम आती है PDFs में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ए पार्ट इसका सही आंसर है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.